देखिए, हम यहाँ पर मैथ्स क्लास के अंदर आपको यूनिट नंबर 4 और 5 का जो मैटर बता रहे हैं वो बिल्कुल कंप्लीट आपको क्वेश्चन देगा। दूसरी बात, 2 यूनिट कवर करता है अकेला चैप्टर 10वां। इस चैप्टर का जो यूट्यूब पे जो आपको मिलेगा वो बहुत ही बेहतर तरीके से मिलेगा। दूसरी चीज़, आप क्वेश्चन ढंग से समझ पाओगे, डेफिनेशन कर पाओगे और थ्योरम वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपके पास अपनी नोटबुक होनी चाहिए। साथ के साथ आपको क्या करना है, लिखना है, और लिखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पहले समझना है, मैं आपको इस वीडियो को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उससे पहले आप देखें क्या क्या हमने पढ़ा, किस तरह से हम एलजेब्रा को समझते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ध्यान दें और समझें। सबसे पहले मैंने आप बताया, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर BSc पार्ट 3 के अंदर यूनिट 4 और 5। आपको एक बात बता दूँ मैं कि यूनिट नंबर 4 और 5 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देखें उस चैप्टर का नाम है आपका सदिश समष्टि। इससे पहले हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं, वो सुने ध्यान से। सबसे पहले एक आया ग्रुप, सबसे पहले आया था ग्रुप। ग्रुप होता क्या था, ग्रुप कोई भी एलजेब्रिक स्ट्रक्चर थी G, *, एक ग्रुप कहलाता था। कब कहलाता था, यदि वो 4 कंडीशनें सेटिस्फाई करता था। पहली कंडीशन संवृत्तता, क्लोजर प्रॉपर्टी साहचर्यता, तीसरी तत्समक अवयव, और चौथी प्रॉपर्टी प्रतिलोम अवयव। क्लियर सी बात। आपको बताया गया यदि ये ग्रुप है आपका क्या बन जाता है, आबेली ग्रुप, आबेलियन ग्रुप, इसे क्रमविन्यास में ग्रुप भी कहेंगे। उसके लिए ग्रुप तो होगा ही, साथ में एक और कंडीशन ऐड हो जाती है, वो क्या हो जाती है, क्रमविन्यास नियम। क्लियर, मैंने आपको ये बताया कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप कोई भी एलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, *, एक ग्रुप कहलाता है यदि आपका जी तो कोई अरिक्त समुच्चय हो तथा स्टार उस पर द्विचर संक्रिया हो। ग्रुप कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब उसके अंदर सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपको बताया कि ए और बी जी के दो अवयव है, तो ए स्टार बी भी जी का ही होना चाहिए। फिर बात की साचर्यता की, तत्समक अवयव एंड प्रतिलोम एंड आबेलियन ग्रुप की बात करें तो ग्रुप और क्रमविन्यास नियम का पालन होना चाहिए। ग्रुप के बाद इसके साथ जुड़ा एक सब ग्रुप, मैंने आपसे ये कहा कि एच जी का एक सब ग्रुप कहलाता है। कोई भी एच है वो जी का एक सब ग्रुप कहलाता है। कब कहलाता है सब ग्रुप, सबसे पहली कंडीशन एच नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, एच सबसेट एंड इक्वल जी, एंड सेकेंड एच भी जी की संक्रिया के लिए ग्रुप हो। क्या बोला गया कि एच जी का एक सब ग्रुप कहलाता है। कब कहलाएगा, जब एच नॉट इक्वल टू 5 होगी, और एच सबसेट किसका होगा, जी का होगा, और एच स्वयं भी क्या होगा, जी की संक्रिया के लिए ग्रुप होगा, तो एक सब ग्रुप आपको बताएगा वो। इसके लिए सब ग्रुप के लिए हमने कुछ निष्कर्ष निकाले, वो क्या क्या निकाले वो देखें। ये कंडीशन तो होगी हर हाल में कि एच नॉट इक्वल टू 5 एंड एच सबसेट ऑफ जी, अर्थात बोला जाएगा क्या, एच जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है,
एच जी का क्या है कोई रिक्त उपसमुच्चय है, तो पहली कंडीशन ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर एच जी का कोई रिक्त उपसमुच्चय है और उसके लिए कहा जाए आपसे कि सब ग्रुप बताइए, तो हम क्या कहेंगे ए एच में विद्यमान है, बी एच में विद्यमान है, तो ए डॉट बी इनवर्स बी किस में होगा, एच में होगा। ध्यान दें आप लोग, ये तो है जी में यदि गुणन संक्रिया है, यदि यही चीज मैं बात करूं जी में योग संक्रिया हो तो हर हाल में ये तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा हम बात करें ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच। मेजर पॉइंट है, क्योंकि जब भी कहीं पर सब ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी तो हम डायरेक्टली क्या दिखा देंगे ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच, कब, जब जी में योग संक्रिया है। तो तीन डेफिनेशन क्लियर हुई सब ग्रुप की। पहली डेफिनेशन तो आपकी क्लियर हुई कि एच नॉट इक्वल टू पाई होना चाहिए, एच जी का सब ग्रुप होना चाहिए, एच जी का सबसेट होगा, एच जी की संक्रिया के लिए ग्रुप होगा। दूसरी, एच जी का कोई रिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार से है कि ए एच में करता है, बी एच में करता है, तो ए डॉट बी इनवर्स किस में होगा, एच में होगा। जी में योग संक्रिया के लिए ए एच में करता है, बी एच में करता है, तो ए माइनस बी किस में होगा, एच में बिलो होगा। यदि दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाता है आपका, सब ग्रुप बन जाता है। एक बार लिख ले थोड़ा सा, इनको लिख सकते हो आप, लिखो तो ऐसे इस कंडीशन को आप पता है, आप डायरेक्टली केवल सिंपल तौर पर लिख लें, जिससे पता रहे हम आगे जब आएंगे वेक्टर स्पेस पे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, फटाफट लिखें। और लिखने से ज़्यादा बढ़िया आप एक साथ या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को स्टॉप करके भी आप लिख सकते हो, फटाफट देखें। चले लिखो भी, चले भाई तो ध्यान दें और समझें आप लोग मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसके बारे में। मैं आपको वो बताऊंगा एलजेब्रा के अंदर जिससे आपको बेनिफिट होगा, साथ में 50 मिनट जो है वो इजी वे में आप समझ पाओगे। और जब भी आप देखें वीडियो तो एक बात ध्यान रखें, या तो ईयरफोन हो तो वो लगाएं या फिर एकांत में आप देखें जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। देखो, ग्रुप के बाद मैंने सब ग्रुप की बात करी, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर रिंग की, वलय, वलय कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट एक वलय कहलाती है। यदि कब कहलाती है वलय, यदि पहली कंडीशन R प्लस एक क्या है, आबेली ग्रुप, क्या बोला गया R प्लस क्या है, एक आबेली ग्रुप है। दूसरा R डॉट एक क्या है, सेमी ग्रुप है। एंड तीसरा पॉइंट, बंटन नियम क्या है, बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, फॉर ऑल ए और बी एंड सी बिलोंग्स टू किस में है, आर में, तो ए डॉट बी प्लस सी कैसे खुल रहा है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तथा बी प्लस सी कैसे ओपन होगा, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। कहने का मतलब
यदि कोई रिंग होगा तो ये तीन कंडीशनें शो करेगा। वो पहली वो R प्लस आबेली ग्रुप होगा, R डॉट एक सेमी ग्रुप होगा, बंटन नियम का पालन करेगा। बंटन नियम होता है A डॉट B प्लस C, तो A डॉट B प्लस A डॉट C, B प्लस C डॉट A बराबर B डॉट A प्लस C डॉट A, ये क्या है आपका बंटन नियम है। एक बात ध्यान दें, कि इसी में अगली कड़ी में आती है सबरिंग उपबल है। सबरिंग अर्थात उपबल है। उपबल है क्या है कि एस किसी बल है आर की एक उपबल है कहलाती है यदि S है कोई R की एक सबरिंग कहलाती है। यदि पहली कंडीशन S सबसेट एंड इक्वल S नॉट इक्वल टू फाई हो एंड S सबसेट एंड इक्वल R हो, सबसे पहला काम ही क्या हो S एरिक हो, साथ में S किसका सबसेट हो R। दूसरी कंडीशन एस स्वयं भी आर की संक्रियाओं के लिए ग्रुप है, मतलब सॉरी रिंग हो। एस स्वयं भी आर की संक्रियाओं के लिए क्या हो रिंग हो। क्लियर सी बात है कि एस किसी बल आर की एक सबरिंग कहलाती है यदि एस नॉट इक्वल टू फाइव हो एंड एस सबसेट ऑफ आर हो एंड सेकंड पॉइंट एस स्वयं भी आर की संक्रियाओं के लिए क्या हो एक रिंग हो। क्लियर सी बात है, एक बार नोट कर लें। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है कि जब हम फील्ड पे पढ़ेंगे, सदिश समष्टि की बात करेंगे, तो एक फील्ड का वर्ड आएगा। फील्ड का मतलब फील्ड कब होता है, फील्ड की क्या डेफिनेशन होती है, सब फील्ड क्या होता है, क्योंकि आप सब वेक्टर स्पेस पढ़ोगे तो वहाँ काम आएगा आपको। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको इसे नोट करना है। मैंने आपको बोला कि जिसने डायरेक्टली आज का वीडियो भी देखा है उसे भी समझ में आएगी यूनिट, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वर्ड आता है क्षेत्र फील्ड। एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र कहलाता है यदि एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र कहलाता है यदि पहला जो वलय है एफ जो वलय है वलय तत्सम की हो, दूसरा वलय क्रम विनिमय हो और तीसरा पॉइंट प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान। देखो तीन कंडीशन है आपकी, पहला वलय तत्सम की हो, वलय क्रमविनिमय हो, प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। ध्यान देना वलय तत्सम की कोई भी वलय होगी गुणन संक्रिया के लिए, यदि तत्सम अवयव विद्यमान है तो वलय तत्सम की, क्रम विनिमय है गुणन संक्रिया के लिए तो क्रम विनिमय। ये चीज़ें आपको केवल डेफिनेशन के तौर पे याद रखनी है अभी, क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है जो पढ़ा दिया गया है। आपको यदि इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप क्या करो, या तो कॉन्टैक्ट करो या
आप ऑफिस पे आकर के मिलना पड़ेगा आपको, जिससे आपको क्या मिलेगा इसके बारे में नॉलेज मिलेगी। ठीक है, अब आप ध्यान दें यहाँ पर ये फील्ड है, बात करूंगा मैं यहाँ पर सब फील्ड की, सब फील्ड क्या होता है, के ले लिया कोई भी, के एफ का सब फील्ड है, कहलाता है यदि पहली कंडीशन के सबसेट ऑफ एफ एंड के नॉट इक्वल टू फाइव एंड दूसरी कंडीशन के स्वयं भी एफ की संक्रिया के लिए फील्ड हो, मतलब जो के है आपका वो भी क्या हो, एफ की संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, वो फील्ड होना चाहिए। कहने का मतलब फील्ड है तो उसका एक सब फील्ड बनेगा, फील्ड होगा तो उसका क्या बनेगा, एक सब फील्ड बनेगा, और सब फील्ड क्या होगा, सब फील्ड होगा कि के सब सेट ऑफ एफ एंड के नॉट इक्वल टू फाइव एंड के स्वयं भी क्या हो, एफ की संक्रिया के लिए फील्ड हो, यदि ऐसा होता है तो वो क्या कहलाता है आपका फील्ड। क्लियर, बिल्कुल ठीक, आप यहाँ तक लिखें, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर, द चैप्टर पर। चलते हैं भाई अपने टॉपिक पर, जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक पे आते हैं अपन। हम बात कर रहे हैं वेक्टर स्पेस की, सदिश समष्टि की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। परिभाषा, सदिश समष्टि की बात कर रहे हैं, तो लिखते हैं, माना V एक एरिक्ट समुच्चय है, माना कैपिटल V जो है आपका वो क्या है, एक एरिक्ट समुच्चय है, तथा F प्लस डॉट एक फील्ड है। मैंने क्या बोला, कैपिटल बी तो क्या है, समुच्चय है पता, एफ प्लस डॉट क्या है, एक फील्ड है, तो प्लस संक्रिया, तो प्लस संक्रिया, तो प्लस संक्रिया वी क्रॉस वी से वी, तो प्लस संक्रिया V क्रॉस V से V एक, मतलब अंतः संक्रिया, अंतः और बाह्य दो चीज़ आएगी यहाँ पर, अंतः संक्रिया और बाह्य संक्रिया। अंतः का मतलब होता है V क्रॉस V से V में, और V क्रॉस F से V में जाएगी तो बाह्य संक्रिया। तो क्या बोला गया, अंतः संक्रिया और डॉट एफ क्रॉस वी से वी, एफ क्रॉस वी से वी बाह्य संक्रिया है, तो बाह्य संक्रिया तो मतलब कोई भी एरिक्ट समुच्चय है आपका कैपिटल वी, तथा एफ प्लस डॉट क्या है आपका, एक क्षेत्र है, उसमें प्लस संक्रिया एफ वी, मतलब जो संक्रिया है प्लस वो वी क्रॉस वी से किस पर है, वी पर, जो अंतः संक्रिया तथा डॉट संक्रिया एफ क्रॉस वी से वी में बाह्य संक्रिया हो, तो आगे पढ़ेंगे हम क्या, बाह्य संक्रिया हो तो अवयवों को, मतलब V के अवयवों को, तो V के अवयवों को
वी के अवयवों को सदिश तथा वी के अवयवों को सदिश तथा इससे कोई मतलब नहीं, बाद में बोल देंगे, हो तो एक सदिश समष्टि कहलाता है, हो तो वी एफ पर एक सदिश समष्टि कहलाता है यदि पहली कंडीशन बात करेंगे तो वो क्या होगा, v प्लस एक अबेलिक ग्रुप, फर्स्ट कंडीशन, ऐसा लिखो कंडीशनों को, फर्स्ट क्या v प्लस क्या होनी चाहिए, अबेलिक ग्रुप, कि v प्लस क्या होना चाहिए, अबेलिक ग्रुप होना चाहिए आपका, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, सदिश समष्टि। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका अदिश गुणन के लिए बंटनता, सेकंड पॉइंट, अदिश गुणन के लिए बंटनता, अदिश गुणन के लिए बंटनता हमने क्या लिया, फोर आल एल्फा वन बिलोंग्स टू एफ एंड वी वन वी टू बिलोंग्स टू किस में है, वी में है, तो एल्फा वन डॉट वी वन प्लस वी टू इक्वल टू एल्फा डॉट वी वन एंड प्लस एल्फा डॉट वी टू, क्या बोला गया, अदिश गुणन के लिए बंटनता, और अदिश गुणन के लिए बंटनता क्या होगी वो देखें, ध्यान दें, अल्फा डॉट वी वन प्लस वी टू एंड अल्फा डॉट वी वन प्लस अल्फा डॉट वी टू, क्लियर है यहां तक, आप ध्यान दे लें थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम हो तो। सेकंड क्या बोलता है, अदिश योग के लिए बंटनता, दूसरी कंडीशन है आपकी, थर्ड पॉइंट है इसका, अदिश गुणन के मतलब अदिश योग के लिए बंटनता, तो कितने अवयव लोगे अदिश राशि, दो, फोर आल एल्फा वन एल्फा टू बिलोंग्स टू किस में, एफ में, एंड वी बिलोंग्स टू किस में है, वी में है, तो या तो वी वन ले लो या वी ले लो, तो देखें एल्फा वन प्लस एल्फा टू एंड डॉट वी वन, देख लें आप लोग कैसे खुलेगा, एल्फा वन डॉट वी वन एंड प्लस एल्फा टू डॉट वी वन, देख लें एल्फा वन और एल्फा टू दो अवयव है एफ के, वी वन कोई अवयव है वी का, तो एल्फा वन प्लस एल्फा टू डॉट वी वन कैसे खुलेगा, एल्फा डॉट वी वन प्लस एल्फा टू डॉट वी टू, अदिश गुणन के लिए साहचर्यता, अदिश गुणन के लिए साहचर्यता हमने क्या किया, फोर आल एल्फा वन और एल्फा टू बिलोंग्स टू किस में ले लिया, एफ में, एंड वी वन अपन ने किसका ले लिया, वी का, आपको पता है एल्फा वन डॉट एल्फा टू डॉट वी वन इक्वल टू एल्फा वन डॉट एल्फा टू एंड डॉट वी वन, लास्ट फिफ्थ कंडीशन इसकी, गुणन के लिए क्या होगा, तत्समक, तो
और वो क्या होता है, वन डॉट कोई भी स्केलर पॉइंट ले लिया अपन ने, वन डॉट वी वन इक्वल टू क्या आएगा, वी वन ही आएगा भाई। वन डॉट वी वन क्या आएगा आपका, वी वन आएगा। अतः जहाँ वन गुणन का तत्समक अवयव है, तो मैंने एक बात कही आपसे, ध्यान से सुनी, बिल्कुल इजी वे में समझे, डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, समझने के लायक है, कि कैपिटल वी एक अरिक्त समुच्चय है तथा एफ प्लस डॉट एक फील्ड है और उस पर प्लस संक्रिया वी क्रॉस वी से वी पर एक अंतः संक्रिया है तथा डॉट एफ क्रॉस वी से वी पर बाह्य संक्रिया हो, तो वी एफ पर एक सदिश समष्टि कहलाता है। कब कहलाता है, सबसे पहली कंडीशन वी प्लस क्या होना चाहिए, आबिंदी ग्रुप होना चाहिए, क्लियर। अदिश गुणन के लिए बंटन नियम का पालन करना चाहिए। अदिश गुणन का मतलब है, अदिश राशि एक ले ली हमने, अल्फा वन बिलोंग्स टू एफ, वी वन और वी टू किस में है, वी में है, तो अल्फा वन डॉट वी वन प्लस वी टू कैसे खुलेगा, अल्फा वन मतलब अल्फा डॉट अल्फा, सिंपल अल्फा ले लिया हमने, ठीक है, तो अल्फा डॉट वी वन प्लस अल्फा डॉट वी टू। अदिश योग के लिए बंटन था, अल्फा वन और अल्फा टू दो अवयव लिए एफ के, तो वी वन वी में बिलोंग करता है, तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू डॉट वी वन बराबर कैसे खुलेगा, अल्फा वन डॉट वी वन प्लस अल्फा टू डॉट ए वी टू। अदिश गुणन के लिए साचर्य था, दो अवयव लिए अल्फा वन और अल्फा टू एफ के, और वी वन किसका है, वी का, तो आप जानते हो अल्फा वन डॉट अल्फा टू डॉट वी वन बराबर अल्फा वन डॉट अल्फा टू डॉट ए वी वन। तत्समक अवयव वन डॉट वी वन बराबर क्या होगा, वी वन, जहाँ वन क्या है, गुणन का तत्समक अवयव है। एक बार सभी नोट करें इसे डेफिनेशन को, ढंग से नोट करें भाई। सबसे पहले आप लिख लें, नोट डाल के लिख लें, यहाँ V के अवयवों को सदिश माना गया है, याद रखें V के अवयवों को क्या बोला गया है, यहाँ पर सदिश वेक्टर क्वांटिटी, F के अवयवों को बोला गया अदिश स्केलर, ठीक है, सुविधा के लिए बोल दिया कि F के जो अवयव है वो तो है क्या है, अदिश है, और V के अवयव क्या है, यहाँ पर सदिश है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब आता है हमारे पास सदिश उपसमष्टि,
देखिए भाई, सदिश उपसमष्टि वेक्टर सब स्पेस, देखिए वेक्टर उप सब स्पेस क्या होता है, सदिश उपसमष्टि क्या होती है। तो एक W V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि कहलाती है यदि, पहली बात, कोई भी आपकी V ऑफ F एक सदिश समष्टि है, उसकी W एक सदिश समष्टि, सदिश उपसमष्टि कहलाती है। कब कहलाती है, कब कहलाएगी, पहली कंडीशन W नॉट इक्वल टू phi हो, साथ में W सबसेट हो किसका, V का, एंड सेकंड पॉइंट W भी क्या हो, मतलब W ऑफ F भी एक सदिश समष्टि हो। यही बात हुई कि सदिश उपसमष्टि W उसका नॉट इक्वल टू होना चाहिए, W सबसेट होना चाहिए, साथ में W ऑफ F अर्थात V F पर सदिश समष्टि है ना, तो W भी क्या हो, F पर एक सदिश समष्टि हो, तब वो क्या बनेगा, आपका सदिश उपसमष्टि बनेगा। लिखिए भाई, सदिश उपसमष्टि कि W V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि कहलाएगी, कब कहलाएगी, यदि W नॉट इक्वल टू phi एंड W सबसेट एन इक्वल आपका क्या होना चाहिए, V, तो W ऑफ F भी एक सदिश समष्टि हो, दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, आपको सदिश उपसमष्टि बन जाएगा। बार बार एक ही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं इसलिए बिल्कुल आपको दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन, इम्प्रॉपर वेक्टर सब स्पेस, निरर्थक या आपको बताया था तुच्छ बोल दो, निरर्थक बोल दो, विषम उपसमष्टि बोल दो, विषम उपसमष्टि, तो इम्प्रॉपर वेक्टर सब स्पेस। तो लिखिए आप, लिखिए भाई, लिखिए प्रत्येक सदिश समष्टि V ऑफ F की, प्रत्येक सदिश समष्टि V ऑफ F की V ऑफ F की पहला पॉइंट स्वयं, सेकेंड तत्सम, स्वयं और जीरो, दो विषम उपसमष्टि कहलाती है। तो प्रत्येक सदिश समष्टि V ऑफ F की एक तो स्वयं और क्या जीरो, ये क्या कहलाती है आपकी, विषम उपसमष्टि कहलाती है। अब इनके अलावा यदि कोई विद्यमान है तो वो क्या कहलाएगी, प्रॉपर वेक्टर सब स्पेस कहलाएगी। स्टार लगा के लिख लो आप इन्वर्टेड कॉमा में यहीं पे, इनके अलावा, इनके अलावा यदि कोई, यदि कोई सदिश उपसमष्टि हो तो उसे प्रॉपर वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। क्या बोला गया कि उसे बोला जाएगा उचित सदिश उपसमष्टि। तो उचित सदिश उपसमष्टि की परिभाषा क्या हो गई, आर स्वयं तथा, सॉरी यहाँ पर क्या है अपने पास, जो वी ऑफ एफ सदिश समष्टि है ना, तो उसमें क्या है, स्वयं और क्या है आपका जीरो, इनके अलावा यदि कोई प्रॉपर सदिश उपसमष्टि होगी तो वो क्या कहलाएगी, उचित सदिश उपसमष्टि कहलाएगी। कुछ डेफिनेशन है जो काम देती है हमको।
देखें, एक एग्जांपल लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स समुच्चय V बराबर A जीरो जीरो B एंड A और B बिलोंग्स टू क्या है R। तो मैट्रिक्स योग एवं अदिश गुणन की सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर एक सदिश समष्टि है। ढंग से आप क्वेश्चन को देखें और समझें।